लोड़वंद नूं फायदा मिल सके। बहुत सारिया जी स्कीम है जिहड़ा लोगों पता भी नहीं, उन्हां दे जाके हरेक पिंड च जाके लोगों नूं पहलां तां जाणू करवाया जाए। कल मैं पहली वारी जाके चाहे असी मैं समझदा हूं कमजोरी तो साड़ी अपनी है, वर्कर के तौर पर भी लोगों नूं जागरूक नहीं कर सके क्योंकि आप नूं नहीं सी पता। 20 रुपया के अंदर 2 लख रुपये का एक्सीडेंट का बीमा होंदा है। मैं समझदा 20 रुपये तो हरेक बंदा अफोर्ड कर सकता जिहदे नाल उहनूं, ते 396 रुपये नाल दस रहे हैं भी उहदे नाल 10 लख रुपये ताईं दा इंश्योरेंस हो सकता है एक्सीडेंट का। इस तरह ही चाहे बाकी जिहड़ी स्कीम्स है, सुकन्या स्कीम है, मुद्रा स्कीम है जिहदे राही लोग या जिहड़ा कम करन वाले जिहड़े हत्थों कम करन वाला है, कोई मोची है, कोई रंग करन वाला है, कोई नाई है, कोई लोहार है, उन्होंने भी ट्रेनिंग दे के ते नाल उन्होंने रुपये दिते जाते हैं, औजार दिते जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपये रोज़ उन्होंने सरकार दिंदी है, पर यह स्कीम्स लोगों ताईं पहुंचियां नहीं। इहदे करके आ जिहड़ा विकसित भारत कदों बनूगा, जदों हरेक बंदा हरेक बंदे का विकास हुए, जिहड़ा सब तो अखीर लाइन च खड़ा उहदे ताईं विकास पहुंचे। आने भी कुछ चंद बंदियां दे विकास हो गया, उहदे नाल भारत विकास नहीं होना। विकसित भारत उदों ही होगा, मोदी जी की आ सोच है भी हरेक लास्ट मैन इन द लाइन जिहड़ा एन सिरे च बेचारा गरीब बैठा है उहदे ताईं उहदा फायदा पहुंचे, फिर उहनूं पता लगेगा भी विकास आया है। क्योंकि अपने जिवें पिंडां दी सत्थां च गल करदे है, कहिंदे आने अखीर बनाई है, कहिंदा मैनू की, कहिंदा तेरे वास्ते बनाई है फिर तेनू की। उहनूं उदों ताईं जदों ताईं उहदे कोल उह मेवा पहुंचदा नहीं डिवेलपमेंट का, उहदा फ्रूट उहदी डिवेलपमेंट का पहुंचदा नहीं, उदों ताईं विकसित भारत नहीं बन सकदा। इस सोच नाल आ स्कीम जिहड़ी है लोकां ताईं घर ताईं स्कीम्स लै के चले हाँ, कोई लिफाफेबाजी नहीं भी सरकार आपके द्वार से कढ़न कत्तण नूं सरकार कोल कुछ ना होवे। यह स्कीम्स है ऑलरेडी इन ऑपरेशन है, लोगों गैस के चुल्हे का कनैक्शन है, उज्जवला कनैक्शन इतने मिल रहे हैं, पानी का कनैक्शन किसी को नहीं है तो वह हल हो रहा है, हैल्थ चैकअप हो रहा है, डायबिटीज़ का ब्लड प्रैशर चैक हो रहा है, टीबी वास्ते टीबी मुक्त भारत बनाने की जी स्कीम है वो सारे डिपार्टमेंट्स इतने आके लोन मुहैया कराने वास्ते, सैल्फ हैल्प ग्रुप लेडीज़ नू, ते आयुष्मान कार्ड बन रहे सब सब तो वड्डी स्कीम मैं समझदा जी आयुष्मान है, जिहदे लोगों नू 5 लख रुपये का बीमा दे रही है मोदी साहब की सरकार, वो लोगों ताईं पहुँचाने का जिहड़ा उपराला है। ते सब तो वड्डी गल मैं समझदा किसानी वास्ते जिहड़ी है आ ड्रोन खड़ा है, सब आ एक बदलते भारत की तस्वीर है। आ जिहड़े किसी समय हैलीकॉप्टर नाल हुंदियां सीगियां, फिर महंगा बहुत हो गया, बंद हो गया, फिर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट आ गए, फिर वो भी उहदे ते सबसिडी नहीं दे सकी सरकार क्योंकि बहुत महंगी हो गई, एविएशन फ्यूल महंगा हो गया, हवाई जहाज महंगे हो गए। पर हुण जिहड़ी टैक्नोलॉजी आई है आ कल्ले टैलीफोन जिहड़ा मोबाइल फोन तां ही सीमित नहीं, उहदा फायदा जिहड़ा है आ तुहाडे सामणे जिहड़ा ड्रोन खड़ा है 7 मिंट च, मेरे साथी दस रहे वी 7 मिंट च 1 एकड़ दे अंदर तुसीं उहदे नाल ना सिर्फ खाद की बचत होगी, खर्चे की बचत होगी, जिहड़ी आमदन दुगनी करन की गल कर रहे वी खर्चे वध जाण तां आमदन अपने आप वधूगी सर, खर्चे वधणगे जिहड़े रसायन पा रहे हैं दवाइयां या जहर जिहड़ा जमीन च पा रहे हैं वह घटूगा, पेस्टिसाइड की खपत घट होगी। तो सब तो वड्डी गल है भी पिंड दे अंदर मोदी साहब का इरादा है कि हरेक पिंड दे अंदर जिहड़ी महिलावां है उन्होंने आ ड्रोन 80% तो कर रखे, पर मेरा मानना है भी जदों तो ये प्रोडक्शन वध के पिंडां तक पहुँचे आ मेरे ख्याल से शायद फ्री ना कर दें सारी महिलावां नूं भी आ ड्रोन लो ट्रेनिंग देंगे पायलट बनाएंगे उन्होंने ये ड्रोन का पायलट बना के भी वह जाके किराए के उत्ते आ ड्रोन खेतों के किसानों फायदा महिलावान फायदा। दिस इज़ द रियल एम्पावरमेंट जिन्हें कहने भी महिला सशक्तिकरण, बिना पैसे के कहते सशक्तिकरण है सर, जो उन्हें घर वाले कहीं ऊँग नहीं देखना है तो अच्कल तो खबर आ रही है भी दारू पी पी के मुफ्त की दारू सस्ती दारू है आपस झगड़े होंगे क्योंकि कमांदा हुआ है, जो महिलावान कमान लगियाँ तो वह बेनीफिट मैं समझदा असल विकसित भारत उदो होगा। वो करके स्कीम है, मैं आभारी हाँ प्रधानमंत्री जी का भी BJP की एड्डी वड्डी स्कीम है जी पिंडों पिंड लैके चले है, पूरे पंजाब के हरेक पिंड च जाके इस गल का असी सुनेहा लावांगे, इहदे नाल लोगों नूं जागरूकता होगी ते लोगों का फायदा होगा। जकर साहब गैर कानूनी ट्वीट किया जी घर घर होम डिलीवरी नूं लैके, क्यों लगता है तुहानूं कि पंजाब सरकार इत्थे भी शुरू कर दे? क्योंकि साहब देखो पंजाब के अंदर हरेक मसले के अंदर केजरीवाल साहब का दखल है, सरकार ही वो चला रहे हैं, साढ़े वाले तो मतलब एक मुखौटा चीफ मिनिस्टर है, जे बस स्टैंड का उद्घाटन करना हो केजरीवाल साहब आके करते हैं, 10 बैड पाए हैं कोई नए किसी ICU वार्ड से तो केजरीवाल साहब आके करते हैं, तो कल भी केजरीवाल साहब ने 43 सेवा अनाउंस की हैं। तुम देखो उन्होंने
अपने दिल्ली के अंदर कानून जी एक्साइज लॉ सी इस तरह बदलते भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लैन, असी लोगों ऑनलाइन घरें जाके उन्होंने इंश्योरेंस करा रहे, लाइफ इंश्योरेंस करा रहे, वो लोगों इस नशा मुक्त पंजाब के अंदर 22 करोड़ बोतल शराब दियाँ हर साल बिकदी हैं। सब मैं समझदा भी 60 लाख बंदे जोड़े दारू पीने वाले उस कैटेगरी आते 3 करोड़ की आबादी चो, उन्होंने 22 करोड़ बोतल अजय इन्हों लगता भी सानू कमीशन घट्ट मिलता है। जो हूँ साउद 300 करोड़ रुपये आप देख लीए भी साउद उतों एम पी जे कांग्रेस के राज्यसभा के है उन्होंने एक अलमारिया चो 300 करोड़ नहीं हूँ तो 500 पहुँच गया, कहते 500 रुपया पता नहीं गिनतियाँ चल रही हैं। तो इन्हों का भी जी ललचा रहा भी जिनी ज़्यादा बिकूगी उन्ना ज़्यादा कमीशन आऊगा, तो जो ज़्यादा हूँ किमें बिकूगी भी घर भेजन लग जाओ कि इस चक्कर च आके आ होम डिलीवरी सर्विस आ ना चालू कर देने का खतरा। जग साहब एक गैर कानूनी माइनिंग लैके भी हाईकोर्ट सख्ती है सकता है, ईडी वालों जी अटैच की हुई सी प्रॉपर्टी जगदीश भोले वाली उद्दे भी क्या जवाब दाखिल करने को कहा, स्टेट ने हो जी होर समय मंगे। देखो हाईकोर्ट ने जेल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, इंटरव्यूज हो रही हैं, उतों ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, उतों तुम कह रहे हो जगदीश भोले वाली गल को लैके इलीगल माइनिंग लैके, मन तो ए लगता है वैसे तो कहते 356 ना लग जाए, मन लगता कि हाईकोर्ट ही ना टेक ओवर कर ले पंजाब असी चलाइए, ये सरकार काबिल ही है नहीं सरकार चलाने की, यह हालात इस तरह बनते जा रहे हैं। दे विल बी नॉट आउट ऑफ प्लेस, चाहे कानून पता नहीं कि इस गल सेंक्शन करता है कि नहीं करता, वो ही ना डिसमिस कर देन दिस गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट इन पंजाब इज अनफिट टू गवर्न।